हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम कुछ इस टाइप की हैप्पी न्यू ईयर फोटो एडिटिंग करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने मॉडल को करेंगे चूज। ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इस पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी ब्लेंडिंग मोड करते हैं लाइटन। लाइटन करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद इसका बना लेते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बनाने के बाद नीचे भी इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद इसको भी कर लेते हैं सेट। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा फोटो सेट करके रेडी हो चुका है। उसके बाद सिंपली हम इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट मारने के बाद इसके सैचुरेशन को कर लेते हैं -100। उसके बाद इसकी क्लियरिटी को बढ़ा लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट को कम कर लेते हैं, शैडो को भी कम कर लेते हैं। उसके बाद इरेजर आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इरेज। इसके हार्डनेस को फुल करते हैं, कैपेसिटी को भी, साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद इसको कर लेते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद इसको कर लेते हैं रिस्टोर। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर लिख देंगे फुल कैपिटल में हैप्पी। इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद आपको जैसा फॉन्ट अच्छा लगे आप वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका कर लेते हैं इसको सेट। इसका कर लेते हैं कलर चेंज। इसको कर लेते हैं रेड। उसके बाद इसके स्टॉक को कर लेते हैं ब्लैक। इसको बढ़ा लेते हैं। इसको कर लेते हैं करीबन 30 के आसपास। उसके बाद इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद वापस टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इधर लिख देंगे न्यू। उसके बाद इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद इसको भी कर लेते हैं सेट। उसके बाद इसका भी कलर कर लेते हैं चेंज। इसको करते हैं ब्लू। उसके बाद इसके स्टॉक को भी कर लेते हैं ब्लैक। इसको बढ़ा लेते हैं। इसको कर लेते हैं 30 के आसपास। उसके बाद इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद वापस टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। इधर लिख देंगे ईयर। कर लेते हैं डन। डन करने के बाद नीचे इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद इसका भी कर लेते हैं कलर चेंज। इसको कर लेते हैं येलो। उसके बाद इसके स्टॉक को कर लेते हैं ब्लैक। इसको बढ़ा लेते हैं। उसके बाद इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद एफएक्स इफेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे एफएक्स में। एफएक्स में आने के बाद बैकनेट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके साइज को बढ़ा लेते हैं, फेड को भी बढ़ा लेते हैं। इधर से कर लेते हैं डन। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसके बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद करते हैं डुप्लीकेट। उसके बाद इसको कर लेते हैं क्रॉप। इधर से कर लेते हैं डन। उसके बाद सबको भी कर लेते हैं क्रॉप। उसके बाद इसका बना लेते हैं डुप्लीकेट। इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद इसको भी कर लेते हैं सेट। उसके बाद नीचे वाले को भी कर लेते हैं सेट। उसके बाद इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद नीचे से कर लेते हैं सेट। उसके बाद इसकी कैपेसिटी को हल्का सा लो कर लेते हैं। इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद इसको ले जाते हैं ड्रॉ में। ड्रॉ में आने के बाद वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके साइज को कम कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं 8। कैपेसिटी को फुल रहने देते हैं। हार्डनेस को भी फुल कर लेते हैं। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको सेट।
उसके बाद कर लेते हैं लाइन ड्रॉ, जिससे कि और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद इस साइड भी कर लेते हैं इसको, उसके बाद इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद इधर से कर लेते हैं, डन। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसके बाद टूल्स आइकन पे एक क्लिक करेंगे, चले जाएंगे एडजस्ट में, एडजस्ट मारने के बाद इसके सैचुरेशन को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद इरेजर आइकन पे एक क्लिक करके इसको कर लेते हैं इरेज, इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा फोटो बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद इसको कर लेंगे सेव।